मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे पर एक और बस हादसे का शिकार हो गई। आगरा से नोएडा आ रही बस का मथुरा के नौझील इलाके में एक्सीडेंट हो गया है। इस हादसे में लगभग 15 लोग घायल हो गए, इनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस के मुताबिक ड्राइवर को नींद आ गई थी, इस वजह से बस डिवाइडर से टकरा गई और हादसा हो गया। सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं मथुरा के थाना नौझील इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 68 पर आगरा से नोएडा जा रही यात्रियों से भरी बस एक बार फिर से पलट गई। यह घटना ड्राइवर को नींद आने के कारण से हुई है। बताया जा रहा है कि बस डिवाइडर से जा टकराई और बस में बैठे 15 लोग घायल हो गए। वहीं 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी लोग लखनऊ से नोएडा की तरफ जा रहे थे। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर एम्बुलेंस और स्थानीय पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बस के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला। सभी लोगों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र दीक्षित। कहाँ के रहने वाले हैं आप? लखनऊ। क्या घटना हुई सर? लखनऊ से नोएडा हम लोग जा रहे थे, रास्ते में अचानक बस डिवाइडर के साइड में बहुत बड़े बड़े पत्थर रखे थे, उसी से टकरा गई, उसी में हम लोग सब चोट खाए। अच्छा, कितने लोग थे बस में सवार? करीब 25 लोग। कितने? 25 लोग। कितने लोग घायल हुए हैं आपके? सभी लोग घायल हुए हैं, कोई नहीं बचा है। सर, यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे एक बस पलटी है, इसके बारे में क्या कहना है? कितने लोग यहाँ पे आए हैं, कितने लोग घायल हैं? ये बस लखनऊ से नोएडा जा रही थी, ड्राइवर को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसकी नींद आ गई होगी। ड्राइवर बस नीचे जाके बंद हुए रोड से टकरा गई। इसमें 14 लोग चोटिल थे, 2 लोग सामान्य इंजरी थी, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। 12 लोग यहाँ एडमिट हैं। 12 लोगों में से एक आदमी के रिप में फ्रैक्चर्स बताया जा रहा है, बाकी की हालत ठीक है, इलाज चला रहा है। JBD Banquets lie hai, incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।